और सरस्वती माँ ज्ञान दो कर हृदय में प्रकाश के धन चाहवे तो दान कर मुक्ति चाहवे भजराम ना तो आड़ मास का यो पुतला बता आवेगा किसका हर सुमर मत कर गुमर बीती उमर भजराम तू एक राम तेरे काम आवे को डीना खर्चे दाम तू माया के फंदे फस गया हो गया बदनाम तू एक हर कुरट खुल घटके पट तो पहुंचेगा निज धाम तू निबोल रे चूहे कैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो भाई चोरी कैसा माल नहीं अगर मार ना हो तो भाइयों कैसा प्यार नहीं तकरार ना हो तो भाई औरत जैसा वजीर नहीं बदकार ना हो तो सुमर लिए भगवान श्री सतपाल दोसा सतगुर मेरे गुरु जी के नित रह चरणों में आइए सज्जनों आप सभी की फरमाइश मेरे पास है क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने आते मुझे कहा कि कोई ऐतिहासिक धार्मिक पुरानी जो हरियाणा रंग में हरियाणा तर्ज में बात है वो सुनानी है मेरी माता बहने बैठी है सज्जनों एक वजन में चूंकि आज हमारा पूरा हिंदुस्तान नहीं विश्व भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है लेकिन सच्चाई की बात यह है जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जो लोग दुनिया से चले जाते हैं हनुमान जी अजर अमर हैं तो आज हम सभी मिलकर हनुमान जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं आइए मैं आपको एक भजन प्रमाणिक भजन सुनाता हूं शंकर भगवान के रुद्र अवतार हनुमान जी और शंकर विवाह से मेरा एक भजन होगा कि जब हिमराजा की राजदुलारी माता गौरा पार्वती शंकर भगवान के साथ शादी करने की जिद करके गंगा जी के कंठारे पर चले गई हाथ जोड़ लिए एक टांग पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करती है बुजुर्गों शंकर भगवान को आना पड़ा हजारों साल की तपस्या करी शरीर को मिट्टी बना लिया शंकर भगवान तपस्या से खुश होकर आते हैं बोले मांगो पार्वती क्या मांगना चाहती हो हाथ जोड़ कर बोली भोलेनाथ कि मैं नहीं चाहती मैं तो तेरी के लिए ब्याह करना चाहूं ब्याह की बात सुनूंगा अच्छा अच्छा छोरा राजी हो जाए भगवान शंकर भी कुवारे हूं मुस्टिन सजनो साफ मना कर दिया पहले कि पार्वती तू एक राजा की बेटी है मैं एक मस्त मलंग मोटा बाबा बांग का घोड़ा लाकर बैठ गया नहीं पता उठूंगा नहीं उठूंगा परेशान हो जाएगी एक भजन के माध्यम से कैसे शंकर भगवान समझाते हैं एक बार शंकर भगवान का इष्ट हूं एक बार हाथ उठा के जयकारा भोलेनाथ का लगना चाहिए जो शंकर भगवान को मानते हैं हाथ खड़े कर लो बोलिए उमापति महादेव की जय हो माता की जय हो गे मैया की जय हो आइए किस प्रकार से चलिए कित सोवेगी कित सोवेगी पार्वती कते आधा जमनार के कित सोवेगी पार्वती कते आधा जमनार के पार्वती कते आधा जमनार के
कुछ सोने की पार्वती कदे आजा जमनारे मां एक एक लाइन सुनने लाए एक लाइन में फायदा अगर पार्वती किसी राजकुमार के साथ शादी करेगी और एक लाइन में नुकसान अगर भोले बाबा के साथ में शादी करेगी क्या बताते शंकर भगवान क्या लिखेंगे अरे यहाँ तो मिला तो मिले खीर और हलवे या ते मिले खीर और हलवे रे कढ़ावे चढ़े हुए वहां मेरे कैलाश पे गोरा बड़े बड़े बाटे पड़े हुए या ते सुंदर महल सवारे रे मणिया तड़े हुए वाफल खाने होंगे गोरा पेड़ के नीचे झड़े हुए वाफल खाने होंगे गोरा पेड़ के नीचे झड़े हुए जंगल में काटे आने हुए पार्वती एक बार अपनी शक्ल देख कितनी भूरी है कितनी गोरी चिट्टी है तू अरे पागल फेर मेरी शक्ल देख दोने के धुमे में रच कर काला बसंत हो रहा हूं एक पार्वती तू भूरी है मैं काला हूं तू आसमान है मैं जमीन हूं तू दिन है तो मैं रात हूं ब्याह उनके साथ होता है जिनका जोड़ा मिले है अरे पागल तू 16 साल की छोरी मैं 80 बरस का मोटा बाबा यो कौन सा मेल मिलिया के बोलिया बोला तेरे अंग का रंग है गोरा तेरे अंग का रंग है गोरा उबटन मड़क नहाने गोरी काया काली हो जा मेरा भभूत लगाने ते खाता मैं तेरे छाले पड़ जा मेरे पैर तपाने ते बढ़िया साड़ी मैली हो जा धोड़ा रोज चलाने ते बढ़िया साड़ी मैली हो जा रुखे सूखे फलों के खाने पे सूखे फलों के खाने पे होता दर्द जाड़ के वो किन सोए की पार्वती कदे आजा जमनारे मां सोए की पार्वती कदे आजा जमनारे मां राजवास से दीपक सरपंच जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं हमारे भाई नाम नहीं बताया लेकिन ड्रेस से लगता जैसे डॉक्टर हुई 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं
आप इनका ताली बजा के मान सम्मान कर दो तो और भी दे देंगे। बजा दो ताली के थाल चूड़ी फूटे है। सजनो इतनी बात जब शंकर भगवान ने कही, हे ताई एक टांग पर खड़ी गोरा मैया हाथ जोड़ रखे रोन लग गई। हे भोलेनाथ मैं तो तपस्या तेरे नाम की करू थी और तू ब्याह क्यों ना करता। शंकर भगवान उस समय कुवारे थे और ये पक्की बात है अगर किसी कुवारे छोरे के सामने हुआ कुवारी छोरी रोन लगे जिसके लिए भी आओ होना हो तो छोरे पे देखी कौन जाता हो। निवला पार्वती आंसू पूछ ले चल ठीक है तेरे साथ शादी करने को तैयार हूं लेकिन कान खोल के एक बात सुन ले जवाब दे। शादी करने के बाद तेरे को आदर्श पत्नी बनना होगा। आदर्श पत्नी शायद आप ना जानते हो, अंग्रेजी में बीवी नंबर वन ने कहे आदर्श पत्नी। बोली साहब आदर्श पत्नी कैसी होती है। भोला बाबा बोले आदर्श पत्नी वह हो है जो अपने पति की इज्जत करती हो। ठीक है ना, आदर्श पत्नी वो जो अपने पति की इज्जत करती हो, अपने पति की बेइज्जती ना करे, उसका नाम लेकर ना बुलावे। और देखिए आदर्श पत्नी वो जो कम से कम 24 घंटे में कम से कम एक बार अपने पति के चरण छू के आशीर्वाद ले क्योंकि पति भी परमेश्वर होता है। सामने को ना के करवा चौथ वाले दिन छालनी में के देख ले और दिन जूता मारे। आदर्श पत्नी वो होती है जो कभी कम से कम 24 घंटे में एक बार अपने पति परमेश्वर के पैर दबा दे चाहे। आज मंदिर में बैठी झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो नरक में जाओगे। साक्षी बताओ इस नाम में कितनी आदर्श पत्नी है। हाथ ठाके प्लीज कोई बात ना कोई बात ना भजन करे करो तुम तो मंदिर में दान कर लो ना न्यू गांव टिक रहा है। पार्वती बोली भोलेनाथ मैं तो आदर्श पत्नी बन जाऊंगी आपको भी आदर्श पति बनना होगा। शंकर भगवान बोले देख पार्वती अगर मेरे कने एक काम है आता तू करेगी आता मैं करूंगा वचन भर। गोरमैया बोली तू एक बार ब्याह कर ले पाछे बताऊंगी तेरे सारे वचन भर लिए पर न्यू बता दे हे भोलेनाथ तू क्या करेगा और मैंने के करना पड़ जाएगा ध्यान तो सुनने की बात। और ये हमारे बलबीर सिंह गोगोड़ वाले विनोद कुमार नाड़ वाले आरजी सेक्टरिंग स्टोर ये 500 रुपए आपके मंदिर में 100 रुपए हमारी भजन पार्टी को एक बार जोरदार ताली मारो इनके लिए। केवल बोला कौन से काम बोले डमरू बजा डमरू बजा के नाचूंगा भाई रे डमरू बजा के नाचूंगा तने गाने गाने पढ़ जाएंगे भगता खातर नहीं नहीं तने वेश बनाने पढ़ जाएंगे धूने खातर लकड़ा के तने भार उठाने पढ़ जाएंगे। ये भगत मने प्राणा ते प्यारे गोरा छाती लाने पड़ जाने भगत मने प्राणा ते प्यारे गोरा छाती लाने पड़ जाने सजनो आखिरी में शंकर भगवान बोले चल ठीक है पार्वती वचन दे दिए ब्याह कर लिया। पार्वती मैया बोली भोलेनाथ एक बात बता आपकी अर्धांगनी बनना चाहती हूं क्या मेरे को दुखी दुख में लगा कोई फायदा कोई आराम कोई ना तेरे कने। शंकर भगवान बोला पार्वती आराम तो है
लेकिन छोटा सा राम है, मैं बताऊंगा तो तू हंसेगी। पार्वती बोली, भोलेनाथ इतने नुकसान बता दिए, एकाध फायदा बता दे, जी राजी हो जाएगा। तो शंकर भगवान फायदा बताने लगे, क्या बता देंगे? आराम एक आराम एक से पार्वती, आराम एक से पार्वती, आराम एक से पार्वती, मेरे नाचा की न चुला है, कते सहेली कोई ताना मारे, अरे बाबा जी तेरा चुला है, खाइए हवा पाड़ के मैं ऊपर लंबा चौड़ा चुला है, पीऊ नाम भांग धतूरा युते झुका गुल्ला है, पीऊ नाम भांग धतूरा युते झुका गुल्ला है, पीऊ नाम भांग धतूरा युते झुका गुल्ला है। सजनो एक प्रमाणिक बात बताऊंगा जरूर, इस भजन की ये लाइन अनमोल लाइन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये कह दे के पीऊ ना मैं भांग धतूरा युते झुट्टा गुल्ला है, जिसने शिवा पुराण पढ़िए उसको पता है, जो शंकर भगवान का ओरिजिनल भगत होगा उसको भी पता।